नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा और आज सभी का हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन क्राइसिस इन इंडिया इन द सेकंड वेव ऑफ कोविड-19। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें ताकि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी तक पहुंच पाएं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से हमारे भारत में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे पूरे देश में ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमारे पूरे भारत में जो कोविड के पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन तक वो ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण उनकी डेथ हो रही है। हमारे पूरे देश में अगर बात करें स्टेट्स की, तो इसमें स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और यूनियन टेरिटरी जिसमें कि दिल्ली, वहाँ पे कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से इस समय ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उन शहरों तक नहीं पहुँच पा रही। सो दोस्तों, अगर बात करें ऑक्सीजन, जैसे आपको पता है कि इट इज़ अ मेजर ऑक्सीजन मेजर गैस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। तो ऑक्सीजन जो है नॉर्मल जो है गैसेस फॉर्म में जो हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन जो है हमारे लिए सफिशिएंट होती है, बिकॉज एज यू नो आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है इट इज़ अबाउट 21%। तो दैट ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच ओके फॉर अस। लेकिन जब कोई पेशेंट जैसे कि कोविड पेशेंट है उनमें ऑक्सीजन की जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उस दौरान वो 21% जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर देम टू सर्वाइव। इसलिए उनको एक स्पेशलाइज्ड मास्क के थ्रू, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स के थ्रू वो ऑक्सीजन जो है लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको सप्लाई की जाती है ताकि वो प्योर ऑक्सीजन उनको मिल पाए और उनके लंग्स जो हैं वो कोलैप्स ना करें। तो बात करें कि ऑक्सीजन अगर हमारे पूरे भारत में जो प्रोडक्शन है उसकी वो कितनी है, सो ऑक्सीजन इस समय जो प्रेजेंट डिमांड है हमारी वो है 7000 मेट्रिक टन और टोटल प्रोडक्शन जो कैपेसिटी हमारे पूरे भारत में है वो है 7250 मेट्रिक टन। और गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि 24 अप्रैल 2021 को भारत ने 9000 मेट्रिक टन का जो ऑक्सीजन का लिक्विड ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो किया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव ये भी लिया है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में ऑक्सीजन की जो डिमांड है बढ़ सकती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, दे हैव डिसाइडेड कि अगले आने वाले कुछ महीनों में हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हुए 90,000 मेट्रिक टन तक हम उसको ले जाएंगे। बात करें अगर हमारे जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडस्ट्रीज जो हैं जो इस समय ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन की या मेडिकल ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, लिंडे इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हैं जो कि इस समय मेडिकल ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो गैसियस फॉर्म है, उस ऑक्सीजन को लिक्विड ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, सो उस ऑक्सीजन को हम अंडर हाई प्रेशर और क्रायोजेनिक टेम्परेचर तक ले जाते हैं ताकि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। सो क्रायोजेनिक टेम्परेचर दोस्तों एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि -150 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो जाता है। जैसे आपने लिक्विड नाइट्रोजन का नाम सुना होगा, उस लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर रहता है दैट इज़ अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से हम लिक्विड ऑक्सीजन को जो प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ अंडर हाई प्रेशर और उस क्रायोजेनिक टेम्परेचर को जिसको हम -183 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, उस ऑक्सीजन को हम उस समय प्रोड्यूस कर सकते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन जब वो उन इंडस्ट्रीज में बन जाती है तो उसको फिर हम एक स्पेशलाइज्ड टैंकर्स होते हैं जिसको हम क्रायोजेनिक टैंकर्स कहते हैं, उसमें हाई प्रेशर और कंप्रेस करके उस गैस को हम डालते हैं। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो क्रायोजेनिक टैंकर है इसके पीछे एक मोटर सा लगा हुआ था जो इस लिक्विड ऑक्सीजन को उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पूरे भारत में ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट अमाउंट में है, हमारे भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम जो है वो उसकी सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है, क्योंकि हमारे जो मेजर ऑक्सीजन प्रोडक्शन के जो प्लांट्स हैं दे आर सिचुएटेड मोस्टली इन द सदर्न स्टेट्स, और उस ऑक्सीजन को वहाँ से ले आना और नॉर्दर्न एरिया में या ईस्टर्न और वेस्टर्न एरियाज में ले जाना एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत उसमें कॉस्ट उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए इस समय ऑक्सीजन की इस डिमांड को देखते हुए भारत ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे हमारे टाटा जो ग्रुप्स है उन्होंने रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक टैंक्स जो हैं वो भारत में इंपोर्ट करवाए। एट द सेम टाइम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे भारत की है उन्होंने क्या किया है, दे हैव डिसाइडेड दैट इन द कमिंग टाइम फ्रॉम द PM केयर फंड दे विल बी सेटिंग अप मोर देन 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्पेशली फॉर द कोविड पेशेंट्स, ताकि
आने वाले समय में हमारे जो कोविड क्राइसिस जो अभी हम फेस कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में ऐसी कोई सिचुएशन हमें फेस ना करने पड़ जाए। सो बात करें DRDO की ही, तो DRDO ने सबसे पहले जब क्या किया, उन्होंने जो हमारे जवान हैं, हमारे सोल्जर्स जो हैं, जो हाई अल्टीट्यूड्स पे जॉब करते हैं, हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, तो उन्होंने उनके लिए, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड्स पे हमारा जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, तो उन्होंने उन सोल्जर्स के लिए DRDO ने एक स्पेशली डिज़ाइन ये ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को इमिडिएटली फुलफिल करते हैं। तो DRDO has decided कि वो इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को और ज़्यादा उनको प्रोड्यूस करेंगे और दे विल बी डाइवर्टेड टूवर्ड्स द कोविड पेशेंट्स। सो जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड वी कैन देन स्टोर देम इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लेकिन एक मेजर जो डिसएडवांटेज है उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स का कि उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाए, तो इसी को एक अल्टरनेट रूट से भी ऑक्सीजन को हम सप्लाई कर सकते हैं पेशेंट्स को। सो उस एक स्पेशली डिज़ाइंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिवाइस हमारे पास है जो कि क्या कर सकता है, डायरेक्टली हवा से जो ऑक्सीजन है वो हम वो कंप्रेस करते हुए उस ऑक्सीजन को डायरेक्टली प्योर फॉर्म में उन पेशेंट्स को हम सप्लाई कर सकते हैं। मीन्स वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है दैट कैन कन्वर्ट दैट ऑक्सीजन फ्रॉम 21% इन द एटमॉस्फेयर टू अप्रॉक्सीमेटली 98% इन दैट पर्टिकुलर डिवाइस। सो बेनिफिट उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ही है। WHO ने जैसे कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो स्पेशली हम डिज़ाइन करते हैं फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन ड्यूरिंग इट्स यूज, क्योंकि जैसे हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं वो एक समय पर वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं दे कैन कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस ऑक्सीजन एयर, और हम उन पेशेंट्स को जिनको इसकी ज़रूरत है वो हम ऑक्सीजन कॉन्टीन्यूसली सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेजर चीज़ ये है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है कंसंट्रेटर जो है दे कैन सप्लाई ओनली 5 to 10 liters ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट, लेकिन अगर कोविड के पेशेंट की बात करें तो उनको अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 liters पर मिनट की ऑक्सीजन जो है वो चाहिए। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को हम क्रिटिकली जो इल पेशेंट्स हैं, कोविड पेशेंट्स हैं, उनके लिए हम नहीं यूज़ कर सकते। वी कैन यूज़ दैट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फॉर मॉडरेटली इल कोविड पेशेंट्स। सो अगर हम क्रिटिकल इल पेशेंट्स की बात करें, ऑब्वियसली उन केसेस में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ही उपयोग करना पड़ेगा। दोस्तों अगर बाकी देशों की बात करें, उसमें जैसे देश हैं जैसे बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और चाइना, ये ऐसे देश हैं जो कि मेडिकल ऑक्सीजन को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, तो इस समय उन देशों ने भी भारत की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और वो देश जो हैं हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई भी दे रहे हैं, ताकि हमारा जो कोविड का जो एक क्राइसिस है वो बहुत हद तक नीचे आए और क्राइसिस ये ख़त्म हो जाए। सो अगर हम फ्यूचर रोड मैप की बात करें दोस्तों, तो अभी जो कोविड क्राइसिस है जिसकी वजह से हमारा मेडिकल सिस्टम क्रैश हो चुका है, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं, इस समय हमें चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 2-4 महीने को लिए टेक ओवर करें और स्पेशलाइज्ड वो कोविड हॉस्पिटल्स बने, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल हो सके। एट द सेम टाइम, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी कोविड की जो वैक्सीनेशन है दैट हैज़ बीन that will be given to the people in the range of 18 to 45 years also. So हमें ये चाहिए कि जो specialized COVID vaccination centers हैं उनको हम और ज़्यादा बढ़ाएं, जैसे हमारे private schools हैं, government schools हैं, ये भी बंद पड़े हैं, तो हम वहाँ पर COVID hospitals, COVID vaccination centers को हम establish कर सकते हैं, ताकि जो social distancing वाला जो एक motto है वो पूरा हो सके और ये जो COVID के cases हैं और ज़्यादा ना बढ़ें। तो दोस्तों मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवाएं। कोविन एक गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश की गई गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक स्लॉट मिलेगा जिस स्लॉट पर आप पर्टिकुलर डे पे आप वहाँ पे वैक्सीनेशन ले सकते हैं। और प्लीज़ ये ध्यान रखें, मास्क ज़रूर डालें और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करेंगे और आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज के लिए इतना ही, अगले किसी वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।